अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आइए आज हम जमात पंजुम की किताब माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल सबक नंबर 6 क़वानीन सब के लिए। प्यारे बच्चों, आमद रब्त के क़वानीन, आमद रब्त यानी प्रॉफिट। आमद रब्त के कानून क्यों बनाए गए? क्योंकि आमद रब्त जो है बासानी और अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए जो है आमद रब्त के कानून बनाए गए। इसी तरह से हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसके भी कुछ क़वानीन हैं। क़वानीन दो किस्मों के प्यारे बच्चों, नंबर 1 सामाजिक कानून और नंबर 2 कुदरत के कानून। तो आइए आज हम सामाजिक कानून के बारे में मालूमात हासिल करते। सबसे पहले जो है जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की जिम्मेदारी क्या है, उसके फ़राइज़ क्या है, उसके ख्यालात, उसके एहसासात, हमारे जज्बात, इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए हमारी ज़िंदगी बाकायदगी से गुजरे, आसानी से गुजरे, इसके लिए जो है समाज के कानून बनाए गए। अब जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में कानून जो है मुख्तलिफ़ किस्मों के बनाए गए और उसमें मुख्तलिफ़ किस्मों की तब्दीली भी की गई। जैसे मिसाल के तौर पर बाल मजदूरी, बचपन की शादी, तोहम परस्ती, जहालत, ये मुख्तलिफ़ किस्मों के कानून पर पाबंदियाँ की गई। क्यों? ताकि तालीम में कोई रुकावट ना हो। अब समाज के जो कानून बनाए जाते हैं उसमें हालात और वक्त को की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए, हालात और मौक़ों को देखते हुए उसमें तब्दीली करना पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर जिस वक्त अंग्रेज़ों के तर्ज हुकूमत में हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद जो है कानून बनाया गया था कि 21 साल की उम्र के हर फर्दों को वोट देने का हक है, लेकिन उस कानून को रद्द कर दिए और उसके बाद ईस्वी सन 1988 में एक कानून नाफिज किया गया कि हिंदुस्तानी हर फर्द को 18 साल की उम्र में वोट देने का हक है। ये हमारे ऊपर कानून नाफिज किया गया। तो इस तरीके से जो है कानून में रद्दोबदल होता है। अब आइए हम देखते हैं कुदरती कानून। अब कुदरत का कानून जो रहता है प्यारे बच्चों वो अटल रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, चाँद की शक्ल तब्दील होना, मौसमी चक्कर, ये कुदरत के कानून है, ये अटल है, इसमें कोई फेरो बदल नहीं होता। अब आइए हम देखते हैं सामाजिक कानून और कुदरत के कानून में क्या फ़र्क है। देखिए प्यारे बच्चों, समाज के कानून जो होते हैं वो तब्दील होते हैं, उसमें हालत वक्तों को मद्देनज़र रखते हुए हम उस कानून को तब्दील करते हैं क्योंकि वो समाज के बनाए हुए रहते हैं। अब कुदरत के कानून जो रहते हैं वो अटल रहते हैं, उसमें कोई फेरो बदल नहीं होता। अब आइए इसके बाद जो कानून बनाए गए, जैसे मिसाल के तौर पर नदी में सूखे फूल और हार ना फेंके, बाल मजदूरी, बच्चों को मुफ्त, लड़के लड़कियों को मुफ्त तालीम देना, इसी तरीके से जंगल काटने और शिकार करने पर पाबंदी, इस तरीके से मुख्तलिफ जो है क़वानीन बनाए गए और इन क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी समाजी ज़िंदगी बासानी से गुजरे, हम समाज में अच्छी तरीके से जो है समाज के साथ मिलजुल कर रहे और हमारे अंदर हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे फ़राइज़ क्या है ये हमें अच्छी तरीके से हम अंजाम दें, इसके लिए जो है ये कानून बनाए गए और क़वानीन जो है हमारे सब के ऊपर नाफिज़ किए गए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो देखे क़वानीन की मालूमात, सबसे पहले उसमें क्या देखे हमने? सामाजिक कानून और 2 नंबर पे देखे कुदरत के कानून। तो ये कानून जो रहते हैं ये हमारी ज़िंदगी बाकायदगी से और सलीके से गुजरे, इसके लिए जो है ये कानून बनाए गए। अब इंशाअल्लाह जो है हम अगली वीडियोस में इसी सबक का दूसरा हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। खुदा हाफिज़।